ओम शांति तो अभी आप कहा अच्छा, तो किससे लड़ाई करनी माया से और वो किसकी माया से कहीं ऐसे होते ना मैं दूसरे की माया से लड़ाई कर रहा हूं अपने अंदर के पांच विकारों की लड़ाई करने की आदत होती है ना तो कहते हैं कि अरे मुझे इसके अंदर माया दिख गई ना तो अब मैंने लड़ना है इसकी माया से फिर से कहेंगे परिवर्तन यहाँ स्वयं का करने आए दूसरे का नहीं तो खुद की माया से लड़ाई करो भाई जिसको अपना बना के बैठे हो उससे लड़ाई करो क्योंकि सभी अभी हम कहाँ हैं युद्ध के मैदान और बता रहे हैं कि उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है श्रीमत पर चलना इसलिए तोते का मिसाल भी दिया कि आप उंगली तो पकड़ो एक उंगली तो पकड़ो तब तो टानी छोड़ो अब वो उंगली पे आएगा तो सेफ है नहीं तो वो टानी पे बैठा रहेगा नहीं 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 मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ चिल्लाता रहेगा छुड़ाओ लेकिन छूटना नहीं चाहिए नहीं? तो इसीलिए इस बाबा ने बड़ी अच्छी मुझे छोड़ो तो छूटो कोई आपको छुड़वाएगा नहीं आपको समझाने के लिए भगवान आए आपको समझाएगा बाकी छोड़ना आप ही नहीं क्योंकि फिर वो आपका हाथ तो पकड़े ही हुए है आपके निश्चय के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना निश्चय उस पर रखते हैं ओके जी ओम शांति